दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड के बारे में, जिसको आप इन शॉर्ट में CVD मेथड भी कहते हैं। क्लियर? सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मेथड का यूज क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, मतलब की वर्किंग। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड है किस चीज के लिए। अगर हम बात करें केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, बेसिकली एक नैनो मटेरियल्स को, जो नैनो मटेरियल्स की जैसे कोई भी सब्सट्रेट है ना, कोई भी मान लीजिए एक सब्सट्रेट है, कोई सिलिकॉन का वेफर हो सकता है या फिर कोई भी एक चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जिसके ऊपर अगर मान लीजिए हमें कोटिंग करनी है, हमें क्या काम करनी है भाई मेरे, कोटिंग करनी है, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। तब हम क्या काम करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सब्सट्रेट हो गया, अब इसके ऊपर मुझे क्या काम करना है, मुझे एक कोटिंग करनी है। या अब याद रखिएगा, जो कोटिंग होती है वो हमारा नैनो मटेरियल साइज होता है, वो हमारा क्या होता है, नैनो मटेरियल, क्योंकि वो क्वांटम वेल होता है। वो क्या होता है, क्वांटम वेल, क्योंकि उसकी एक जो डायमेंशन होती है वो नैनो रेंज में होती है। तो आसान भाषा में अगर हम ये कह सकते हैं कि केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपने नैनो मटेरियल्स को बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं, नैनो मटेरियल को बना सकते हैं। सबसे बेस्ट जो नैनो मटेरियल यहाँ पर बनाया जाता है वो क्वांटम वेल है, मतलब कि जिसकी एक डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल में है, नैनो रेंज में है, बाकी दो डायमेंशन नॉर्मल है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। सो अगर हम बात करें CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, इसके नाम में ही फील आ रहा है, केमिकल वेपर डिपोजिशन, मतलब ये हम केमिकल की मदद से, मतलब कि वेपर्स की मदद से हम केमिकल्स को डिपोजिट करेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर और एक क्या बनाएंगे, एक कोट बनाएंगे, एक नैनो मटेरियल बनाएंगे, जिसको हम, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसको आराम से समझ लेते हैं, एक बार डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख रखी है कि CVD इज द फॉर्मेशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड फिल्म ऑन अ सब्सट्रेट। याद रखेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड फिल्म मतलब कि हम एक सॉलिड फिल्म बनाएंगे और वो ऐसी सॉलिड फिल्म होगी जिसके वेपर्स नहीं बन सकते, जिसके वेपर नहीं बन सकते। अब ऐसा नहीं है कि आपने सब्सट्रेट के ऊपर ऐसी लेयर बना दी जिसके वेपर बन सकते हैं, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया और मान लो वेपर बन के उड़ गए, तो कोटिंग करने का फायदा क्या हुआ। तो हमें ऐसे सॉलिड मटेरियल की कोटिंग करनी है जिसके वेपर्स ना बने, क्योंकि कितना भी हम टेम्परेचर कर दें वो क्या काम करेंगे, वो उनके वेपर बनेंगे नहीं और वो फिर वहां से हटेंगे नहीं। ठीक, इतनी बात याद रखेगी। तो CVD इज द फॉर्मेशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड फिल्म ऑन अ सब्सट्रेट बाय द रिएक्शन ऑफ वेपर फेज। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करते हैं विद वेपर फेज केमिकल्स दैट कंटेन द रिक्वायर्ड कंस्टिट्यूएंट्स। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है। CVD मेथड का जरा फील लेंगे जरा, यहाँ पर क्या है, केमिकल वेपर डिपोजिशन एक ऐसा मेथड है जहां पर हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड फिल्म को डिपोजिट करते हैं ऑन सब्सट्रेट। किस पे डिपोजिट करते हैं, ऑन सब्सट्रेट, किस मदद से, मतलब किसकी मदद से करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो वेपर फेज में होते हैं, बहुत सारे केमिकल जो वेपर फेज में होते हैं और कंटेन करते हैं रिक्वायर्ड कंस्टिट्यूएंट, रिक्वायर्ड कंस्टिट्यूएंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी ये सब्सट्रेट है और हमें क्या काम करना है, इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके इसकी एक वो बनाना है, एक कोटिंग करनी है। तो कोटिंग किसकी करनी है वो डिपेंड करता है, किस एलिमेंट की करनी है या किस केमिकल की करनी है। तो वो केमिकल जो होगा वो गैसेस के अंदर क्या होगा, जो केमिकल्स हम यूज करेंगे उनके अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, और फिर वो जाके वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन करेगा सब्सट्रेट के साथ जाके और फिर वहां पर स्टोर होगा, वो एक एक करके अभी आपको बताएंगे। क्लियर? तो अभी हमको इतना समझ में आ गया डेफिनेशन से कि CVD एक वो मेथड है जहां पर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड फिल्म बनाते हैं सब्सट्रेट के ऊपर, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो वेपर फेज में होते हैं और उन सब के अंदर रिक्वायर्ड कंस्टिट्यूएंट्स हमारा प्रेजेंट होता है, कंटेन होता है। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिसकी हमें कोटिंग करनी है। बोलो, यहाँ पे समझ में आ गया? ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें कौन कौन से फैक्टर चाहिए CVD करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे सबसे पहला है कि सब्सट्रेट मटेरियल, आपका जो सब्सट्रेट है जिसके ऊपर आप नैनो मटेरियल बनाओगे, जिसके ऊपर आप कोटिंग करोगे, उसका भी मैटर करता है कि विच आर गोइंग टू कोट और मॉडिफाई, कौन सी चीज आपको कोट करनी है और मॉडिफाई करनी है, क्योंकि सब्सट्रेट के ऊपर कोटिंग करी जाएगी। तो पहले तो यही चीज डिपेंड करता है कि सब्सट्रेट का नेचर भी डिपेंड करेगा इस मेथड पर। दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है, दूसरा फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि सब्सट्रेट टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है वो भी मैटर करता है, वो भी क्या करता है, मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हमने क्या काम कर रखा था, एक बेस लेयर, सब्सट्रेट मतलब एक बेस समझ लो जिसके ऊपर कोटिंग होगी, जिसके ऊपर क्या होगी, कोटिंग होगी, या फिर जिसके ऊपर नैनो मटेरियल साइज्ड बनेंगे। ठीक है, तो सब्सट्रेट के टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, जरूरत पड़ सकती है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया और जो सब्सट्रेट की जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, है ना, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, चेंज होगी,
और अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो वहां पर उस केमिकल को जो जब पहले डिपॉजिट कर रहा था वो बाद में करेगा, नहीं। मतलब सीवीडी की अगर हम सबसे पहली बात याद रखेंगे कि सबस्ट्रेट का नेचर, दूसरा सबस्ट्रेट का टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा। हमें ऐसा सबस्ट्रेट चाहिए होगा कि जिसका हम टेम्परेचर को भर चेंज कर दें, मतलब बढ़ा दें या घटा दें, तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ना है, जिससे हम इजीली एक नैनो मटेरियल को या फिर उसको कोट या मॉडिफाई कर सकें। इतना बात याद रखना, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक। थर्ड यहाँ पर एक बात लिख रखी है कि कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन गैस मिक्सचर, जो रिएक्शन गैस होंगी जो बेसिकली उससे सबस्ट्रेट से पास होंगी, जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के मिल के रिएक्शंस करके डिपोजिट होंगी, उस पे की कंपोजिशन पर भी डिपेंड करेगा कि विच टाइप ऑफ गैस वी आर गोइंग टू यूज, किस टाइप की गैस आप यूज कर रहे हो, क्या उस गैस के अंदर वो मटेरियल या वो एलिमेंट या वो मॉलिक्यूल है जिसकी आप नैनो मटेरियल या डिपोजिट या कोटिंग कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। क्लियर? सो अगर हम बात करें, हमने अभी समझा डेफिनेशन और उसके बाद हमने बात कर दिया की फैक्टर्स कि भाई किन किन फैक्टर्स पर हमारा सीवीडी डिपेंड करता है ना, केमिकल वेपर डिपोजिशन डिपेंड करती है। इसके नाम में फील लेना बार बार कह रहा हूँ मैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन, वेपर फेज की मदद से केमिकल्स को डिपोजिट करना ऑन द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड सीवीडी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने अब जो भी मैंने अभी आपको ये कंस्ट्रक्शन बताया, आसान भाषा में कंस्ट्रक्शन ही है जिनको आप की फैक्टर्स कह सकते हैं, तो इसको यहाँ पर एक बार एक फिगर से समझते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये एक चैम्बर है ना, ये क्या है, एक चैम्बर है, एक वैक्यूम चैम्बर अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लोज। अब हमने क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सबस्ट्रेट, ये जो पट्टी सी अभी आपको दिख रही है, ये काली कलर की जो पट्टी सी आपको दिख रही है, ये बेसिकली क्या है, ये सबस्ट्रेट है, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट। यह आपका क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके ऊपर हम क्या काम करेंगे, एक नैनो मटेरियल की कोटिंग करेंगे या फिर नैनो मटेरियल का साइज बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई भी डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब हम क्या काम करते हैं यहाँ पर, इसको ध्यान समझना। अभी मैं आपको रफली बता देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ पर बेसिकली एक गैस को पास करा जाता है, यहाँ पर एक गैस को पास करा जाता है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती है ना, बहुत सारी गैसेज होती है, और इन्हीं गैसेज के अंदर वो एलिमेंट या वो मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है जिसकी हमें कोटिंग करनी है। वो बेसिकली कहाँ पर आता है, सबस्ट्रेट के ऊपर आता है, क्योंकि गैस तो है, वो सबस्ट्रेट के ऊपर आएगा। जैसे सबस्ट्रेट के सरफेस में वो टच करता है तो यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया, सरफेस एनर्जी रिएक्शंस हो गया, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट निकलते हैं बाहर और यहाँ पर हमारी कोटिंग धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाती है। मैं अभी पूरी वर्किंग बताऊंगा, अभी मैंने शॉर्ट में बताया। तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको ऐसे फील लेंगे आ जाओ कि यहाँ पर बेसिकली एक बहुत बड़ा ऐसे करके एक चैम्बर है, एक बहुत बड़ा चैम्बर हम मान लीजिए जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। यहाँ से गैस पास हो रही है ना, यहाँ से क्या क्या हो रही है, गैस पास हो रही है, और यहाँ पर ऐसे करके सबस्ट्रेट रखा है, ऐसे करके क्या रखा है, सबस्ट्रेट रखा है, जिसके ऊपर हमें क्या काम करनी है, कोटिंग करनी है। ठीक, यहाँ से गैस पास हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, गैस पास हो रही है, ये एक वैक्यूम चैम्बर है। क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, कोई भी डाउट हो तो बताए। अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल और वर्किंग की। पहले इतना अगर आपको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिया, बहुत बढ़िया, हटा देते हैं। चलिए अब जब ध्यान समझो, इसकी प्रिंसिपल समझिए और वर्किंग समझिए। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें कि precursors which is reagent in gas phase, then there is some kind of absorption and surface reaction is take place with the substrate itself, and then at last film is growing on the top, sorry, on the substrate. मतलब क्या हुआ, मतलब समझो, working और principle एक साथ समझेंगे। ये काम कैसे करता है इसको समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर बेसिकली क्या काम करा जाता है, यहाँ पर एक चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर, और यहाँ पर एक गैस पास करी जाती है। इस गैस के अंदर, यहाँ पर ये जो गैस आपको दिखाई जा रही है, इस गैस के अंदर दो चीजें होती हैं, मतलब दो तरीके की गैस होती है। एक तो होती है रिएक्टिव गैस, एक क्या होती है, रिएक्टिव गैस। रिएक्टिव गैस का मतलब क्या है कि वो गैस जो क्या काम करेगी, सबस्ट्रेट के ऊपर आके सबस्ट्रेट को टच करके उसके साथ केमिकल रिएक्शंस करेगी और कोटिंग बनाएगी, कोटिंग में मदद करेगी। कोटिंग में क्या करेगी, मदद करेगी। मतलब रिएक्टिव गैस बेसिकली कौन सी गैस होगी, दोज गैसेस विच रिएक्ट विद द सर्फेस ऑफ
सरफेस ऑफ सबस्टेट, सबस्टेट के सरफेस में क्या काम करेगी, वो केमिकल रिएक्शंस करेगी और नैनो मटेरियल्स मतलब कि कोटिंग बनाने में मदद करेगी। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, रिएक्टिव गैस समझ में आ गया। नेक्स्ट जो गैस हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कैरियर गैस। कौन सी यूज करते हैं भाई मेरे? कैरियर गैस। अभी कैरियर गैस कौन सी होती है? अगर हम बात करें रिएक्टिव गैस की, तो रिएक्टिव गैस जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा बहुत सारी ऐसी रिएक्टिव गैस होती है जो क्या काम करती है, सबस्ट्रेट तक नहीं पहुंच पाती, सबस्ट्रेट तक नहीं पहुंच पाती, या फिर कभी कभी होता यह है कि वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करती। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या काम करते हैं, हम एक ऐसी हेल्पिंग, एक हेल्पिंग गैस यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कैरियर गैस। इस नाम को कैरियर गैस क्यों कहा गया, क्योंकि ये क्या काम करेगा, ये अब ये गैस अपने ऊपर मतलब कि रिएक्टिव गैस को कैरी करेगी और कैरी करने के बाद सबस्ट्रेट के पास लेके जाएगी। इसको फील करो यहाँ से, कैरियर गैस बेसिकली एक ऐसी गैस है जो केमिकल रिएक्शन नहीं करती, किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी, सबस्ट्रेट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी, कोटिंग करने में कोई मदद नहीं करेगी, बस वो इतना काम ये करेगी जो रिएक्टिव गैस है जो सबस्ट्रेट के पास नहीं पहुंच पा रही उसको कैरी करके सबस्ट्रेट के पास लेके जाएगी और फिर सबस्ट्रेट के पास छोड़ देगी। बस उसने खुद कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा, ना ही उसने कोटिंग करी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि कैरियर गैस बेसिकली जो वो गैस है द रिएक्टिव गैस टूवर्ड्स सबस्ट्रेट, ये पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि कैरियर गैस जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, कैरियर गैस याद रखेंगे दो पॉइंट को, क्लियर। सो अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो गैस होती है, ये गैस इसके अंदर दो तरह की गैस होती है, एक रिएक्टिव गैस जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन सबस्ट्रेट के साथ करेगी और उसके उसके अंदर वो कंस्टिट्यूएंट है जिसकी हमें नैनो मटेरियल बनाना है। बहुत बढ़िया, उसको कैरी करने के लिए, उसको सबस्ट्रेट तक ले जाने के लिए हम एक गैस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कैरियर गैस। कैरियर गैस अगर हम बात करें, ये सिर्फ कैरी करती है रिएक्टिव गैस को और सबस्ट्रेट की तरफ लेके जाती है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। तो अब यहाँ पर समझ में हमें आ गया कि गैस जो है ऐसे करके फ्लो करती है, कैरियर गैस क्या, ये कैरियर गैस है और ये हमारी क्या है, ये जो मैंने डॉट बना रखे हैं ये बेसिकली हमारी कौन सी है, एक्टिव गैस, और ये होगी हमारी कैरियर गैस। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रिकर्सर्स। क्या कहते हैं? प्रिकर्सर्स, क्लियर। तो बेसिकली यही इसका प्रिंसिपल है कि जब प्रिकर्सर विच इज रिएजेंट इन गैस फेज, then there is some kind of absorption and surface reaction। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब carrier gas reactive gas को यहाँ पर लेकर आएगी, तो reactive gas जैसे ही ये रहा reagent in gas phase, दोनों क्या है वो gas phase में, जैसे ही वो surface के साथ touch होती है, so absorption and surface reactions take place। second step यहाँ पर ये, पहला step तो gas हो गया, दूसरा step यहाँ पर है ये कि जैसे ही मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आते हैं तो वहां पर बहुत सारे एब्जॉर्प्शन और बहुत सारी सरफेस एनर्जी रिएक्शंस होती है। बहुत सारी क्या होती है? सरफेस रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस के बाद ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन हुई है तो रिजल्ट और प्रोडक्ट तो मिलेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो होगा। तो रिएक्टेंट ये हो गए, प्रोडक्ट कुछ बाहर निकलेगा जिनको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई मेरे, बाय प्रोडक्ट। ये क्या निकला? बाय प्रोडक्ट। और ये किस तरह जाएगा? ये जाएगा हमारा गैस के अंदर, जो गैस ऊपर फ्लो हो रही है उसके अंदर चला जाएगा, क्लियर। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे करके कोटिंग आती रहेगी, जैसे जैसे गैस हम पास करते रहेंगे वैसे वैसे रिएक्टिव गैस के एटम्स यहाँ पर आते रहेंगे, रिएक्शन होती रहेगी, बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता रहेगा, वो यहाँ पर जाके स्टिक हो जाएगा। इसको ऐसे समझेंगे कि मान लो यहाँ पर गैस फ्लो हो रही है ना, यहाँ पर गैस फ्लो हो रही है रिएक्टिव भी और अपनी कैरियर गैस भी, ये हमारा सबस्ट्रेट है ऐसे करके। अब रिएक्टिव गैस आई, रिएक्टिव गैस आने के बाद मान लो यहाँ पर एक एटम आ गया, यहाँ पर सरफेस एनर्जी हुई, एब्जॉर्प्शन हुआ और एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर मान लो बाय प्रोडक्ट था, वो बाय प्रोडक्ट बाहर निकल गया ऐसे करके। यहाँ पर अब इस हिस्से में कोटिंग हो गई है, ऐसे ही करते करते यहाँ पर हर जगह हर पॉइंट पर एटम्स गिरेंगे,
मतलब कि एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टिव गैसेस गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, और वो केमिकल रिएक्शंस करेंगे, सरफेस रिएक्शंस करेंगे, एब्जॉर्प्शंस करेंगे और बाय प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। तो ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक ये पूरा क्या ना हो जाए, कोट हो जाए, पूरा क्या ना हो जाए, मतलब जो एरिया है सब्सट्रेट का वो पूरी तरीके से क्या ना हो जाए, कवर हो जाए, ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी। और इसी को ही हम सीवीडी केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? और यही इसका प्रिंसिपल है, यही इसकी वर्किंग है। वर्किंग याद रखना, बाय प्रोडक्ट वापस वहीं जाएगा गैस फ्लो में, वो वहां पर बाहर निकल जाएगा। यहाँ से रिएक्टिव गैसेस को हम देते रहते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर गिरती रहती है, गिरने के बाद रिएक्शंस होती है, रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्या बनता है, फिल्म की ग्रोथ एंड रिलीज ऑफ बाय प्रोडक्ट। और ये प्रोसेस जब तक होगी जब तक यहाँ पर पूरी तरीके से एटम्स ना आ जाए, मतलब कि पूरी कोटिंग ना हो जाए सबस्ट्रेट की, ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी। एक बार पूरी सबस्ट्रेट की कोटिंग हो गई मतलब तो फिर तो जगह ही नहीं है मॉलिक्यूल्स को मिलने की, रिएक्टिव गैस के मॉलिक्यूल्स को तो फिर जगह ही नहीं है भाई से मिलने की, तो वो क्या काम करेंगे, आगे जाते रहेंगे क्योंकि उनके पास अब कोई स्पेस ही नहीं है, और सीवीडी प्रोसेस वहीं रुक जाएगी, सीवीडी प्रोसेस वहीं पर ही क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब कि हमने एक सबस्ट्रेट के ऊपर क्या कर दी, कोटिंग कर दी। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है, समझ में आया? तो ये हमारा क्या है, केमिकल वेपर डिपोजिशन। अब एक बार फिर से ध्यान से एक समरी ले लेते हैं पूरी। पहले हमने आपको बताया डेफिनेशन, डेफिनेशन की क्या है कि केमिकल वेपर डिपोजिशन एक वो मेथड है जहां पर हम एक सॉलिड नॉन वोलेटाइल फिल्म बनाते हैं ऑन सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स जो वेपर फेज में होते हैं और कंटेन करते हैं उस कंस्टिट्यूएंट को जिसकी हमें नैनो मटेरियल या फिर जिसकी हमें कोटिंग बनानी है। पहली चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, डेफिनेशन क्लियर हो गई। दूसरा, क्या क्या चीजें हमें चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, हमें एक चैम्बर चाहिए, एक गैस का फ्लो चाहिए, उसके बाद वहां पर हमें एक सबस्ट्रेट चाहिए, सबस्ट्रेट का नेचर हमें पता होना चाहिए कि नेचर उसका सही है कि नहीं है, वो वाला नेचर नहीं सही मतलब उसकी प्रॉपर्टीज वाला नेचर। दूसरा कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, टेम्परेचर को चेंज करके कुछ वेरिएशन तो नहीं आ रहा। उसके बाद कंपोजिशन उन गैसेस की जो गैसेस फ्लो होंगी, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग एंड प्रिंसिपल की। वर्किंग में क्या है, सिंपल सा है कि यहाँ पर रिएक्टिव एंड कैरियर गैस के मॉलिक्यूल्स घूमते हैं। कैरियर गैस का काम करता है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव गैस के मॉलिक्यूल्स को सबस्ट्रेट के पास लेकर आता है। जैसे ही आपका रिएक्टिव गैस का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के ऊपर आ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एब्जॉर्प्शंस एंड बहुत सारी सरफेस एनर्जीज होती है, मतलब कि सरफेस रिएक्शंस होती है, जिससे अगर रिएक्शन का मतलब समझ में आता है कि ये रिएक्टेंट हो जाएगा और जो बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, जिसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे, बाय प्रोडक्ट। ये वापस गैस के फ्लो में बाहर निकल जाएगा और ऐसे ही धीरे 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 करते करते ये जो हमारे पार्टिकल्स यहाँ पर इकट्ठे हुए पूरे के पूरे सबस्ट्रेट के सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, पूरे के पूरे सरफेस के किस पे इकट्ठे हो जाएंगे, सरफेस पे, और हमारे सबस्ट्रेट की कोटिंग तैयार। क्लियर हो गया, समझ में आया, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया हो केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड क्या होता है। मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है कि मैं आपको समझा सकूं कि सीवीडी मेथड का रियल मतलब और रियल फील क्या है। क्लियर, इस वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू सो मच।